NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या आरजेडी किसी बड़े संकट से गुजर रही है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अब पार्टी के नेता ही ये कहने लगे हैं और स्वीकार करने लगे हैं कि आरजेडी पर बड़ा संकट है और ऐसा संकट उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। जाहिर है अपने आप में ये बयान बड़ा है और आरजेडी के अंदर खाने की जो सियासत है, आरजेडी के अंदर खाने का जो संकट है उसको बताने के लिए काफ़ी है। और यह बयान किसी आम नेता का नहीं है, राजद के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी का है। शिवानंद तिवारी ने कहा है, एक निजी टेलीविज़न चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम यह मानते हैं कि राजद के सामने गंभीर चुनौती है, इससे पहले राजद ने कभी ऐसे संकट का सामना नहीं किया था। तो दो तीन लाइन में शिवानंद तिवारी ने अपनी बात कही है। संकट को आरजेडी के दूसरे नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी से शिवानंद तिवारी ने स्वीकार किया है कि आरजेडी के सामने ये संकट है। और जब राजद के सामने संकट है तो सवाल यह भी है कि संकट खड़ा किसने किया है? क्या तेजस्वी यादव ने खड़ा किया है? क्या तेज प्रताप यादव ने खड़ा किया है? क्या पार्टी के अंदर खाने जो चीज़ें सुलगती रहती है, कलह होती रहती है, उससे आरजेडी एक बड़े संकट का सामना कर रही है? और जब संकट है तो बाद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की होगी और क्या 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की राह इसलिए आसान नहीं है क्योंकि अब संकट बड़ा हो चला है। तेजस्वी यादव लगातार अज्ञातवास पर थे, उनके अज्ञातवास को लेकर सवाल उठता रहा, कई बातें कही जाती रही और तेजस्वी ने अपने अज्ञातवास से अपने राजनीतिक विरोधियों को बिल्कुल आक्रामक होने का मौका दे दिया। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव जो अपनी ही पार्टी पर हमेशा अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई बार मुखर हो जाते हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी की राह मुश्किल की है, कई उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार किया है और कई उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो क्या इन वजहों से आरजेडी बड़े संकट का सामना कर रही है? तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता पार्टी में घट रही है, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से फैसले लेते हैं फिर उस फैसले पर अमल नहीं करते या किसी कार्यक्रम की घोषणा करते हैं और घोषणा के बाद फिर उसको टाल देते हैं, खुद ही गायब हो जाते हैं, तो क्या इससे उनकी विश्वसनीयता घट रही है? और घटती हुई विश्वसनीयता क्या आरजेडी को संकट में डाल रही है? ये तमाम सवाल हैं और इस सवाल को खड़ा किया है आरजेडी के ही नेता शिवानंद तिवारी ने। उन्होंने क्या कहा है, मैंने आपको बता दिया है, जाहिर है राजनीति गर्माएगी और आरजेडी के अंदर खाने भी गर्माहट बढ़ेगी। तेजस्वी यादव लौटने वाले हैं, ट्विटर पर उनकी वापसी हो गई है, अज्ञातवास खत्म हो चुका है, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ है, बिहार के पॉलिटिकल सीन में नजर नहीं आए हैं प्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव, वे आते हैं तो क्या होगा? लेकिन इतना जरूर है कि जिस ईमानदारी से शिवानंद तिवारी ने स्वीकार किया है कि राजद के सामने संकट है, इससे राजद के अंदर खाने गर्माहट जरूर बढ़ेगी और बड़ी चुनौती होगी आरजेडी के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले इस संकट से उबरने की। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के सामने शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।